हेलो दोस्तों, बेडमूव माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपडेट खोलने वाले हैं। अपडेट में कुछ काम क्या क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें लॉक सेट चेंज करना है, लॉक सेट चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी अपने पास, देख लीजिए आप, पूरी एफजेड एस है और जिसमें बहुत सारी डैमेज है। एक्सीडेंटल गाड़ी है ये, इसमें शॉकर, हेडलाइट, फेरी वगैरह सब कुछ लगाना है, हैंडल बार चेंज करना है, मास्टर सिलेंडर बदलना है और लॉक सेट बदलना है। तो हम इस वीडियो में केवल लॉक सेट की बात करेंगे, लॉक सेट हमने कैसे कैसे बदलना है, अगर पूरा लॉक सेट आप चेंज करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ और चेंज करना स्टार्ट करता हूँ लॉक सेट इसका, और आप देखते रहिए कि लॉक सेट कैसे चेंज करते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। मैं लॉक के लिए दिखा देता हूँ आपको, इसमें स्टार नट होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे स्टार नट रहेगा। आप स्टार एलिंग की या फिर पेचकस दोनों से खोल सकते हैं। और एक यहाँ पे रहेगा इसके जस्ट बगल में, जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ इधर, यहाँ जस्ट बगल में रहता है। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे, एक नट यहाँ पे है आपका, यहाँ पे स्टार एलिंग की दोनों से खोल सकते हैं। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे खोलना है। चलिए मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। ये रहा इसका स्टार एलिंग की नट, जो कि मैं खोल चुका हूँ और अभी मैंने उस साइड का खोलना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से उस साइड का भी खोल। दोस्तों दोनों नट खुल चुके हैं, बाकी हमारा लॉक सेट आ चुका है बाहर, ये देख लीजिए। अभी मैंने इसको चेंज करना है, उसके बाद हम टैंकी का लॉक निकालेंगे और उसके बाद हम सीट निकालेंगे। तो पहले हम इसको निकाल लिया है, अब मैं चलिए टैंकी का निकालता हूँ और उसके बाद हम सीट का निकालते हैं और उसके बाद तीनों फिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से निकालता हूँ टैंकी का। ये रहा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ये भी लगा हुआ है, इसको हम पेचकस से या किसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे, फिर दूसरा फिट करेंगे इसमें। और उसके बाद हम पीछे दिखाता हूँ मैं आपको पीछे वाला, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, हम इसको बाद में करेंगे, नहीं तो हमारा पेट्रोल खुल जाएगा इसमें, कुछ अगर कोई डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं हम डायरेक्टली पीछे को। पीछे का आपका रहेगा यहाँ, ये देख रहे होंगे आप। अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, तो देखिए आपको ये चेंज करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा, वो इतना टफ नहीं है जितना टफ ये है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से इसको खोलता हूँ। दोस्तों हमें इसके लिए टेल निकालनी पड़ेगी, टेल निकालने के बाद होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये टेल निकाल लेते हैं इसकी। चलिए आप देखते रहिए कि टेल में हमें क्या क्या खोलना पड़ता है, बाकी मैं सब बता देता हूँ। चलिए क्या क्या खोलना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको नीचे होते हैं नट, नीचे खोलने पड़ते हैं, चार नट ऊपर होते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक नट टेल खोलने के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा, दो नट ये वाले खोलने पड़ेंगे और एक नट यहाँ रहेगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ अगर कैमरे में आता है तो, ये है, ये नट खोलना पड़ेगा। उसके बाद साइड पैनल से यहाँ खोलना पड़ेगा, यहाँ खोलना पड़ेगा आपको, एक नट यहाँ खोलना पड़ेगा। उसके बाद 10 नंबर के पैनल के नीचे नट रहते हैं, वो पैनल खोलूंगा मैं अभी, दिखा दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू रहता है और ऐसा स्क्रू वहाँ रहता है। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से ये टेल निकाल लेता हूँ बाहर और फिर हम अगले इसका लॉक सेट करते हैं चेंज। तो अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ। उसके बाद आपका एक नट ये आ गया, टेल निकालने के लिए आपको ये भी खोलना जरूरी है, तो मैं ये खोल लेता हूँ फटाफट से। ये भी खुल चुका है, अब हम 12 नंबर के खोलते हैं। तो चलिए मैं अभी पाएं, तो दोस्तों ये रहा मेरा नट और दो नट ये रहे और एक नट यहाँ पे है। तो पहले मैं ये वाला सामने वाला खोलूंगा, जिससे कि हमारा टीसा आराम से खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है मेरा बाहर, अब मैं ये वाले निकाल लेता हूँ। ये वाला खोल लेते हैं साइड से, ये इस साइड से खुल जाएगा आपका आसानी से, बहुत ही खोल लेते हैं इसको। फिर उसके बाद हम करते हैं टेल बाहर, ये देखिए चारों के चारों खुल चुके हैं। और अभी मैं उस साइड का पैनल निकालता हूँ और उस साइड का खोलते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं और एक 10 नंबर पैनल खोल लेते हैं। उससे पहले हम ये वाला खोलेंगे, ये खुल चुका है हमारा, और उसके बाद हम ये एलएमडी का खोलते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको खोल डाल के बढ़िया से करने का, अगर आप बढ़िया से खोल के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं फुल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें ये भी खुल चुका है, ऐसे उठा लेना है, पैनल कंपल्सरी बाहर आ जाएगा, इसको साइड रखना है, ये खोलना पड़ेगा ये वाला, मैं इसको खोल देता हूँ। ये आसान तरीका है टेल निकालने का, इसको खुल चुका है, अब हमें निकाल लेनी है इसकी टेप को बाहर, ये देख लीजिए दोस्तों,
टेल बहुत ही आसानी से हमारी बाहर आ गई है, ये देख पा रहे होंगे आप टेल। तो अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ, उसके बाद हम ये लॉक खोलना स्टार्ट करते हैं। ये आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पूरा स्पेस हो गया है, ये तार निकालेंगे यहाँ से और सीधे ये वहाँ को निकाल देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे खोलते हैं। खोलने के लिए इसको इतना तो खोलना पड़ता ही है, बाकी और क्या क्या करना है भी बताता हूँ अगली वीडियो में। तो आपको ये एक नट दिख रहा होगा, अब इसके लिए ये नट खोलना है जो मैं खोल लेता हूँ, लगाना है और शर्ट शर्ट खोलना है इसको। खोलने के बाद ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा आ जाना है बाहर। तो नट खुल चुका है मेरा और अभी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, पूरा बाहर चले जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा शर्ट है, ये लॉक हमारा पूरा निकल गया। अब इसको हमने साइड रख देना है और नया फिट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से नया फिट लेके आता हूँ। तो ये है इसका लॉक सेट, क्योंकि स्पार्क मिंडा का है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पूरा MFZ का है। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ फटाफट से, इसका बैक साइड का लॉक निकाल लेता हूँ और फिर फिट कर लेते हैं। ये रहा इसका लॉक पीछे का, और दो चाबियाँ आती हैं मिंडा में साथ में, और ये बहुत ही प्यार से काम कर रहा है। तो चलिए मैं खुलकर दिखाता हूँ इसको कैसे कैसे फिट करते हैं। चलिए दोस्तों मैं फटाफट से करता हूँ इसको फिट। एक पत्ती रहती है, पत्ती करनी होती है फिट हमने। तो ये तार है हमारा, ये तार हमको इसमें खाँचे में बिठाना होता है। इस प्रकार से हम इसको बिठा देंगे बढ़िया से, और उसके बाद हमको ये सेट कर लेना है इस टाइप से, इस प्रकार से। ये एक बटन रहता है, उस बटन में बिठा लेना है। बिठाने के बाद हमको डायरेक्टली यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर देना है और स्क्रू लगा देना है। उसके बाद हमारी हो जाएगी पूरी कंप्लीट। ये देखिए ये पूरा बैठ चुका है। अब मैं इसमें स्क्रू लगा देता हूँ, क्योंकि स्क्रू ये रहा इसका, और हमने यहाँ लगा देना है और लॉक हो जाएगा सेट हमारा। ये लगा देते हैं फिर लॉक हो जाएगा सेट। इसमें मैंने वीडियो इसीलिए पॉज नहीं किया है, कहीं आप बाद में कहें कि बिठाने में दिक्कत है और आपने बिठा के वीडियो पॉज करके बिठाया है। इस चक्कर से मैंने वीडियो कोई पॉज नहीं किया है, ये पूरा सेट हो गया। अभी मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं भी इसको लॉक कर देता हूँ, लॉक करके चाबी से दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे लॉक हो गया है, और अभी मैं ये देखिए चाबी घुमाता हूँ और आप यहाँ देखिए लॉक की तरफ ये कट से निकल जाना है। फिर दोबारा एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ मैं, ये लॉक हो चुकी है। अब मैं चाबी ये देखिए बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम टैंकी का लगाते हैं और फ्रंट का फिट करते हैं, बाकी टेल फिट करते हैं। टैंकी का ढक्कन तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, हमने खाली उसको निकालना है और इसको बिठा देना है। तो चलिए मैं फटाफट से निकालता हूँ इसको, उसको और इसको बिठा देता हूँ। तो इसको हमें पेचकस से ज़बरदस्ती निकालना पड़ा जब हमने थोड़ी देर वीडियो पॉज किया था। तो अभी हम नया वाला बिठा देते हैं, इसमें हम कोई पॉज नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट से बिठाता हूँ। ये देख लीजिए, ये है नया वाला हमारा टैंकी कैप। अब हमने इसमें चाबी लगा लेनी है, हल्का यहाँ कर लेना है और सीधे यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर देना है। ये देख लीजिए, तो मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बैठ गया है ये। अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देख लीजिए फिर भी है, और हमको इसी प्रकार से सेट कर देना है। ये आसानी से लग गया। तो चलिए अभी हम लॉक सेट चेंज करते हैं, अगले का फ्रंट का लॉक लगा दें, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा दोस्तों ये लॉक, जो कि अब मैं इसमें फिट करने वाला हूँ और चेक करने वाले हैं हम कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपली यहाँ देखना है और इस टाइप से यहाँ बिठा देना है, जो कि मैं बिठा देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने बिठा दिया है और हमने ये स्क्रू लगा देने हैं। मैं लगा देता हूँ इसमें और उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। चलिए मैं इसको बिठाता हूँ फटाफट और करते हैं टाइट, और फिर चेक करते हैं गाड़ी ऑन हुई या नहीं। ये दोस्तों हो गए कंप्लीट। अब बचे हैं ये इसके सॉकेट, सॉकेट हमने ये देख रहे होंगे आप, दो सॉकेट हैं। एक इसमें ये ब्लू पट्टी रहती है, ब्लू पट्टी वाला इसमें लगा देना है हमने। सेम कलर रहता है वैसे, कोई इतना इशू नहीं है इस टाइप से। और उसके बाद रेड वाला लगा देना है, रेड में इस टाइप से। अब हमारा पूरा लॉक सेट हो गया कंप्लीट, और अभी हम इसमें लॉक लगा के चेक करेंगे। और गाड़ी को काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी को स्टार्ट करके भी चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लॉक लगा के चेक कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाते रहता हूँ साथ ही साथ कि हमने कैसे कैसे क्या फिट किया है और कैसे कैसे हमने स्टार्ट करनी है। तो मैं चाबी ले लेता हूँ, ये हमारी चाबी
अभी आप देख रहे होंगे स्टेरिंग घूम रहा है, मैं थोड़ा कैमरा पीछे करता हूँ, देख लीजिए। और अब मैं लगाता हूँ इसमें चाबी, पहले ऑन करके देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, मीटर में पूरे में करंट आ गया है और बढ़िया काम करने लग गया है, इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया है। और अभी हम लॉक करके देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, गाड़ी लॉक भी हो जा रही है आसानी से। तो दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस लॉक सेट चेंज करने का कंप्लीट, और इतने मात्रा में। तो दोस्तों, पूरी गाड़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने लगा दिया है। बाकी मैं और आइटम इसमें फिट करने वाला हूँ, हैंडल बार, लाइट वगैरह सारी फिट करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।